हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोलपिट ऑसिलेटर, कोलपिट दोलित्र। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा कि ऑसिलेटर क्या होते हैं। ठीक है, और इनके लिए हमने ऑसिलेटर जो है हमारे, ठीक है, इनके लिए हमने बारखाउजन क्राइटेरिया को पढ़ा था, बारखाउजन कसौटी को पढ़ा था। ठीक है, तो बारखाउजन कसौटी जो थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा ऑसिलेटर होगा, यानी जो हमारा परिपथ यहाँ पर होगा, सर्किट होगा, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो निवेश हो रहा है, जो हमारी निवेशी वोल्टता है और जो पुनर्निवेश होगा उसके अंदर क्या होना चाहिए, फेज शिफ्ट जो है वो 0 या 2 पाई का होना चाहिए। ठीक है, निवेश पुनर्निवेशी जो परिपथ हमारा होगा उसके अंदर जो पास है, लूप है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, 0 या 2 पाई का फेज डिफरेंस या फेज शिफ्ट होना चाहिए, 2π 360 डिग्री का। इसका मतलब है कि जो फीडबैक है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा कि जो हमारा फीडबैक फैक्टर है ए बीटा, इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, ए बीटा का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और जो फेज शिफ्ट है वो 360 होना चाहिए, 360 या 0 का होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी क्या थी, बारखाउजेन क्राइटेरिया थी। तो ऑसिलेटर जो होते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं, यानी इनसे हमें क्या मिलते हैं, आवर्ती धारा या वोल्टता मिलेगी, पीरियोडिक वोल्टेज या करंट मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों के जो सिलेबस में है वो सारे साइनोसोइडल आउटपुट वाले जो ऑसिलेटर होंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होंगे वो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं कोलपिट ऑसिलेटर को। तो यहाँ पर जो कोलपिट ऑसिलेटर हम ले रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, ऑसिलेटर के लिए टैंक परिपथ जो होगा, टैंक सर्किट, उसको यूज किया जाता है। और वो किन से मिलकर के बनता है, एल और सी से। ठीक है, एल और सी से मिलकर के जो टैंक सर्किट बनेगा, दोलनी परिपथ जो बनेगा, उनसे हमें क्या मिलते हैं, दोलन मिलते हैं। और जो एम्पलीफायर हम यूज करते हैं फीडबैक देके, एम्पलीफायर को जो हम यूज करेंगे वो इन जो हमारे यहाँ पर ऑसिलेशन होंगे उनको क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, और जो इनकी सेल्फ एक्साइटेशन की जो कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो एलसी परिपथ होगा, टैंक सर्किट जो होगा, इसके लिए भी हमने सर्किट रिक्वायरमेंट पढ़ी, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, जो तीनों एलिमेंट्स हैं, Z1, Z2 और Z3, तीनों क्या होंगे, शुद्ध प्रतिघाती अवयव होंगे, प्योर रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे। और ये किस प्रकार होंगे कि दो इनमें सेम होंगे और तीसरा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वहां पर हमारा X1, X2 सेम रहेगा और जो X3 है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो हमारे कैपेसिटर हैं और एक क्या है, इंडक्टर है। तो ये हमारे X1, X2 और X3 हैं। तो जो ये हमारा कोलपिट ऑसिलेटर का डायग्राम है, इसके अंदर एक कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर को लिया गया है, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पर जो R1, R2, RE और CE ये सारे मिलकर के क्या करते हैं, ये जो हमारी स्टेबलाइज्ड बायस होती है उसको बना रहे हैं ये, यानी यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जो हमने स्वाभिनति बायस पढ़ी थी, ठीक है, सबसे जो स्टेबल थी उसको बनाते हैं, इसी प्रकार का सर्किट था। और जो हमारा सीबी ये कैपेसिटर है इसको ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्लॉकिंग कैपेसिटर होता है। और जो सीई होता है ये बायपास कैपेसिटर होता है। ठीक है, ये बायपास प्रोवाइड करवाता है एसी को। ठीक है, और यहाँ पर सीबी जो होता है वो डीसी को ब्लॉक करता है, ये ब्लॉकिंग कैपेसिटर है। और यहाँ पर जो हमने R1, R2, RE ये सेल्फ बायस बना रहे हैं। और इनके अलावा जो RFC है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक होता है, जो कि प्रत्यावर्ती जो धारा होगी उसको बहुत ज्यादा इंपिडेंस प्रोवाइड करवाएगा, उच्च आवृत्तियों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी है तो हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी, जिसके कारण ये उसको उच्च प्रतिबाधा प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि VCC जो है हमारी, उससे होकर के दोलनी जो धारा या वोल्टता होगी वो प्रवाहित ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर RFC रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक है।
ठीक है, C1 और C2 दो कैपेसिटर हैं, L जो है वो इंडक्टर है, और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, टैंक सर्किट बनाते हैं। और इस टैंक सर्किट से क्या होता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलता है। ठीक है, फेज शिफ्ट जो आता है वो 180 डिग्री का आएगा। और जो एम्पलीफायर है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर को यूज किया गया है, ये क्या करता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इसके कारण आता है। तो टोटल जो फेज शिफ्ट होगा वो कितना आ जाता है, 360 डिग्री आ जाता है। ठीक है, 2π का। तो यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यही हमारी बारकहाउजेन क्राइटेरिया है। तो ये हमारा क्या है, एक ऑसिलेटर सर्किट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो एलिमेंट्स यूज किए हैं, कैपेसिटर, ब्लॉकिंग कैपेसिटर, ये हमारा बाईपास कैपेसिटर है, और ये मिलकर के R1, R2, RE, ये सेल उसको स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं, स्टेबलाइज जो बायस थी। और यहाँ पर RFC, रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक है, ये हाई फ्रिक्वेंसी पर इसको इम्पीडेंस प्रोवाइड करवाता है, पीरियोडिक जो हमारी करंट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में सर्किट है। अब हम लोग इसका डीसी एनालिसिस करते हैं और हाइब्रिड पैरामीटर सर्किट बनाएंगे, जहां पर हम लोग HI, HRE और HOE इन सबको यूज करके सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम H पैरामीटर सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, वो हमारा डीसी एनालिसिस होता है, कैपेसिटर को हटा देते हैं इसको, जो हमारे ये दोनों हैं। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा HIE। ऑसिलेटर के अंदर इनपुट नहीं होता है, सारा जो इनपुट होता है कंप्लीटली किसके द्वारा दिया जाता है, फीडबैक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सारा का सारा जो निवेश होगा वो पुनर्निवेश के द्वारा दिया जाएगा। तो ये हमारा HIE है, ये हमारा HREVC है, VCE आउटपुट वोल्टेज। और यहां से अपने पास में आती है ये अपनी GMVBE होगी, इसके साथ में HOE। ठीक है, अभी हम लोग सारे एच पैरामीटर्स जो है हमारे, उन सभी को यूज किया है, HRE और HOE को बाद में हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देते हैं और उनको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट सारे एच पैरामीटर्स को यूज करके बना रहे हैं। थोड़ा इधर बना देती हूँ मैं इसको, यह आ जाएगा HIE। इसके बाद में यह आ जाता है अपने पास में HREVCE, और यहां से GMVBE, ये है HOE, और जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल होगा उससे हमारा जो कैपेसिटर है, कौन सा है, यहाँ पर C2 कैपेसिटर। फिर यहाँ पर हमारा कौन सा है, C1 कैपेसिटर, जो कि इमिटर टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये हमारा हो जाएगा C1 कैपेसिटर, और इन दोनों के साथ में जो इंडक्टर लगा है, इंडक्टर का एक टर्मिनल हमारा C2 से कनेक्टेड है और दूसरा C1 से, तो ये हमारा L हो गया। और इसके बाद में ठीक है, यहां से हमारा ये जो C1 है वो आपस से क्या होगा, इनपुट से कनेक्टेड होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट बन जाएगा, और जो C1 है इसके द्वारा क्या करवाया जाता है, फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं। यानी C1 के द्वारा क्या होगा, वापस से हम क्या दे रहे हैं, इनपुट पर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो फीडबैक होगा वो C1 के सिरों पर जो वोल्टता होगी, यानी जो कि इस कैपेसिटर के सिरों पर जो वोल्टेज आएगी वो हमारी क्या होगी, वापस से इनपुट होगी। तो ये हमारा क्या है, एच पैरामीटर को यूज करके हम इस सर्किट को बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने सर्किट बनाया है इसके अंदर हमने सारे एच पैरामीटर को यूज किया है, लेकिन जो HRE और HOE, इन दोनों पैरामीटर्स का जो मान होता है वो बहुत ही कम होता है, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम हटा सकते हैं, तो इनको नेग्लेक्ट करके हम फिर से सर्किट को बनाते हैं।
तो हमारे पास में सर्किट आएगा अंदर आ जाएगा ये हमारा GMVBE GMVBE से HOE को हमने हटा दिया, तो GMVBE से जो कनेक्टेड है हमारा कैपेसिटर वो कौन सा है, C2 है। तो ये हमारा C2 कैपेसिटर। उसके बाद में यहाँ पर अपना C2 कैपेसिटर कनेक्टेड होगा। उसके बाद में क्या है, C2 का एक टर्मिनल L से और L का दूसरा टर्मिनल किससे है, C1 से है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक टर्मिनल L से और यहाँ पर C1 से, L का जो दूसरा टर्मिनल होगा वो C1 से होगा और C1 जो है अगर हम इसको हटा दें HRVCE को, तो C1 जो है वो किसके पैरेलल में है, HIE के पैरेलल में होगा। यहां से हम देख सकते हैं कि C1 और HIE पैरेलल में है। हम इसको यहां लगाने की बजाय डायरेक्ट इसके पैरेलल में भी लगा सकते हैं, ठीक है, C1 और HIE। तो C1 के पैरेलल में आ जाएगा HIE। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि C1 पर जो वोल्टेज होगा वही हमारे यहाँ पर होगा, यानी जो फीडबैक हम C1 के थ्रू दे रहे हैं वो कंप्लीटली हमारा क्या है, इनपुट है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सर्किट हो गया। ये जो करंट है GMVBE और इधर से आने वाली करंट को अगर हम I1 दें और यहाँ पर जाने वाली हमारी करंट I2 है, तो ये हो जाएगा I1 - I2, ठीक है। और यहां से जाने वाली करंट जो I2 आ रही है और इसके अंदर जाने वाली करंट अगर I3 है, तो यहां से जाने वाली करंट हो जाएगी I2 - I3, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, सर्किट आ जाएगा। इस सर्किट को बना लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इस सर्किट से ही हमने बनाया इसको। बस यहाँ पर हमने HOE को हटा दिया एक तो, और HRE को हटा दिया है। तो HOE को हटाने के बाद में ये जो हमारा सर्किट है GMVBE और C2, इनको हमने इस तरह लिखने की बजाय इस तरह बना लिया है, ठीक है। और यहाँ से हमारी जो करंट है इसको हमने I1 नाम दे दिया है। अब जो ये हमारे दोनों टर्मिनल्स ए और जी हैं, ए टर्मिनल हमारा कलेक्टर टर्मिनल है और जी हमारा क्या है, इमिटर टर्मिनल है। ये इसी प्रकार तो थे हमारे, ये कलेक्टर टर्मिनल और ये जी इमिटर टर्मिनल था। तो ये हमारी GMVBE की डायरेक्शन इस प्रकार थी, ठीक है। तो ये हमारी GMVBE और यहाँ से जो ए और जी हमारे टर्मिनल हैं, ये हमारा कैपेसिटर उसका कंडक्टर कलेक्टर टर्मिनल है ये। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए और जी इन दोनों के बीच में हमारी C2 कनेक्टेड है, फिर C2 का एक पार्ट L से और एक टर्मिनल किससे, यहाँ से C1 से आ जाएगा, ठीक है। और C1 के पैरेलल में HIE होगा। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करें इसके लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि A पर जो हमारा धारा का विभाजन हो रहा है, यानी जो करंट जो आ रही है, या फिर हम इसके अंदर लूप लगा सकते हैं, जो हमारा ये वाला लूप है इसके अंदर हम लूप एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर क्या करें, हम करंट जो आ रही है और जा रही है उनके हिसाब से हम निकालें। तो यहाँ पर हम लोग अगर लूप लगाते हैं, I2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा I2 into L, ठीक है। और ये जो L और C हैं, L और C भी हमारे क्या हैं, ये इंडक्टर है, तो इसकी रिएक्टेंस क्या होगी, XL क्या हो जाएगी, j ओमेगा L, और XC का मान क्या होगा, 1/j ओमेगा C, ठीक है। XL का मान j ओमेगा L और XC = 1/j ओमेगा C होगा। तो यहां से अपने पास आ जाएगा I2 into j ओमेगा L, ठीक है, I2 into j ओमेगा L। यहां पर हमारे जो करंट है
ठीक है, तो चाहे तो आप लोग इस पॉइंट पर जो ये दोनों करंट जा रही हैं उनके लिए इक्वेशन, या फिर चाहे इस तरह से लूप लगा ले हम, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि I2 into L, इसकी रिएक्टेंस हमने लिख ली J ओमेगा L। अब जो हमारा C1 और HIE है, C1 और HIE अगर हम करंट लिखते हैं I2 minus I3, तब वो तो सिर्फ C1 में से है, और I3 अगर हम लिखें तो वो सिर्फ HIE में से है। लेकिन अगर हम I2 को लें, यहाँ से सिर्फ I2 को ही हम लिखें, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। हमारी जो I2 करंट आ रही है वही तो डिवाइड हो रही है C2 और HIE में, ठीक है, ये करंट आगे जाके टू पार्ट्स में डिवाइड हुई है, यानी यहाँ पर हमारा C2 और HIE क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है, करंट हमारी डिवाइड हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, C2 और HIE का, C2 की रिएक्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके, ठीक है। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम निकालें तो वो कैसे आएगा, C2 HIE डिवाइडेड बाय C2 प्लस HIE, ठीक है। तो C2 का मान क्या है, 1 अपॉन जे ओमेगा C2 होगा, तो हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा HIE और अपॉन में जे ओमेगा C2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन जे ओमेगा C2 प्लस HIE, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया इन दोनों का, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ्लो होने वाली करंट होगी I2, ठीक है। अगर हम अकेले अकेले लिखते हैं C1 और HIE को, तब तो हम I2 माइनस I3 और I3 लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम कंप्लीट यहाँ से जाने वाली करंट, क्योंकि हम सिर्फ इस लूप को निकाल रहे हैं, ये जो हमारा बीच वाला लूप है इसी के लिए हम सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से हम जो करंट लेंगे I2 को, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो I2 J ओमेगा L प्लस ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा HIE अपॉन J ओमेगा C2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन J ओमेगा C2 प्लस HIE, ठीक है। अब हम इस प्रकार जा रहे हैं, तो हमारी जो I2 की डायरेक्शन इस प्रकार है, और जो इसमें से करंट है C2 में से I1 माइनस I2, वो क्या होगी इस डायरेक्शन में, तो हम इसको माइनस लिखेंगे, माइनस I1 माइनस I2 इंटू C2, और C2 का मान क्या होगा, 1 अपॉन जे ओमेगा C2, ठीक है। यहां पर हम लोग चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये जो हमारा C2 है ये इस प्रकार है, और इसके साथ में L और C1 लगे हैं, और C1 के साथ में वापस से HIE लगा है, तो C1 और HIE को मिलाकर के हमारी जो वैल्यू आई वो हमारी ये आ गई, और उसके बाद में ये हमारा लूप था, तो C2 का वोल्टेज इक्वल होगा इन दोनों का वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, यहां से हमारी करंट डिवाइड हो रही है, तो हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको इक्वल में रख करके, यानी हम करंट के हिसाब से कि इसका वोल्टेज अगर V1 है और यहाँ का वोल्टेज अगर V2 है, तो क्या होगा, ये जो हमारा पोटेंशियल यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है, तो V1 इक्वल टू V2 आएगा, ठीक है। जिस तरह से पैरेलल में क्या होते हैं, सेम होता है विभव का मान, तो ये दोनों सेम होंगे, और अगर हम करंट के हिसाब से निकाल रहे हैं लूप लगा करके, तो उस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, अब इस इक्वेशन में ये माइनस का है, तो हम इसको इक्वल में ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, I2 वाले टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं और I1 वाले टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा I2 इंटू जे ओमेगा एल प्लस HIE जे ओमेगा C2 अपॉन 1 अपॉन जे ओमेगा C2 प्लस HIE, ठीक है। और इधर से I2 का प्लस में आ जाएगा 1 अपॉन जे ओमेगा C2 इक्वल टू I1 अपॉन जे ओमेगा C2, ठीक है। I1 अपॉन जे ओमेगा C2
और I2 के साथ में मल्टीप्लाई होकर के जब 1/j ω C2 आएगा तो ये इनके साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उधर माइनस में है। अब हम इसको सिंपलीफाई करें, I2 का मान क्या हो जाएगा, I2 = 1/j ω C2, और ये सारी की सारी वैल्यू I2 के मल्टीप्लाई में है तो ये भी यहाँ पर आ जाएगी अपॉन में, j ω L + HIE / j ω C2, और 1/j ω C2 + HIE, और ये आ जाएगा प्लस का 1/j ω C2 I1। ये हमारी कंप्लीट वैल्यू आ गई I2 की, ठीक है। अब हम j ω C2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां तक लिख लो एक बार। ठीक है, यहां तक आ गया। अब हम लिख रहे हैं I2 का मान, हम निकालें तो I2 का मान हो जाएगा I2 = यह आ जाएगा 1/j ω C2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा और आयोटा का स्क्वायर माइनस हो गया, -ω² L C2, ठीक है, +HIE और अपॉन में j ω C2 है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा HIE / 1/j ω C2 + HIE प्लस का 1, ठीक है, क्योंकि j ω C2 से j ω C2 कैंसिल तो प्लस का क्या बच गया, 1 बच गया, और ये आ गया I1। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा I1। तो I2 = 1/ ये वैल्यू आ गई, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें हम तो हमारे पास में आ जाएगा I2 = 1/1 −ω² L C2, 1 को हम आगे ले लें, और प्लस का HIE j ω C2 / 1 + HIE j ω C2, और यह आ जाएगा I1। ठीक है, यहां से अपने पास में I2 का मान आ गया, I2 का मान चाहो तो यही रहने दो या इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लो। अब हमारे पास में जो हमारा एक और लूप है इसके अंदर हम इक्वेशन लिखे, ठीक है, पहले हमने इस वाले के लिए लिखी थी, अब हम लिखते हैं इसको फर्स्ट सेकेंड लूप दे देते हैं, ये हमारा फर्स्ट है ये सेकेंड है। तो द्वितीय पास के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, I2 - I3, वैसे भी दोनों पैरेलल में है ये C1 और HIE, तो यहाँ का V1 = V2 होगा, I2 - I3 × C1 = I3 × HIE, ठीक है, तो ये आ जाएगा I2 C1 = I3 C1 + HIE, क्योंकि C1 इधर माइनस है तो इसके साथ में ऐड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी I2 C1 का मान क्या होगा, 1/j ω C1, ठीक है, ये हमारी रिएक्टेंस है, यहाँ पर चाहे तो आप X1 लिख सकते हैं, j ω C1, इसको X1 लिख लेना, इस X1 का मान होता है 1/j ω C1, तीनों जो हमारी है C2 C1 और C3, ये जो L है L j ω L है और इसकी रिएक्टेंस 1/j ω C2 है और इसकी रिएक्टेंस 1/j ω C1 है, तो I2/j ω C1 = I3
C1 plus H I, तो ये हो जाएगा X1 है हमारी ये, तो X1 का मान है 1 अपॉन जे ओमेगा C1 प्लस एच आई ई। ठीक है, यहां से अपने पास में I3 इक्वल टू क्या जाएगा, या I2 का मान हम यहां से निकालें तो I2 का मान आ गया मल्टीप्लाई जे ओमेगा C1। तो I2 के हमारे पास में दो वैल्यूज आ रही है, I2 इक्वल टू ये वाली वैल्यू है और I2 इक्वल टू ये वाली वैल्यू है। दोनों को इक्वल रख करके हम I3 का मान भी निकाल सकते हैं, तो एक बार इसको यहां तक लिख लो। ठीक है, आई टू इक्वल टू हमारे पास में इक्वेशन आ गई। आई टू को अगर हम थोड़ा और सोल्व कर ले, जो अपने पास में 1 प्लस HI जे ओमेगा C2 है, इससे मल्टीप्लाई कर ले इस इक्वेशन को और इसको हम लोग ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो एक बार मैं ये डायग्राम हटा देती हूँ। ठीक है, इसको लिख ले। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब हमारे पास में आ जाएगा I2 को अगर हम थोड़ा और सिंपलीफाई करें, तो I2 इक्वल टू आ जाएगा ये हमारा 1 अपॉन माइनस का ओमेगा स्क्वायर LC2 प्लस का HIE 1 अपॉन जे ओमेगा C2। एक मिनट, हमारे पास में जो I2 के साथ में वैल्यू थी ये हमारी क्या थी, HIE और C2 का हमने कॉम्बिनेशन लिया था यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा C2 था और ये C1 होगा, तो ये हमारे पास में HIE और C1 का कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार करेक्ट करें यहाँ पर अपने आप। I2 की जो वैल्यू है, एक बार उसको थोड़ा सा, I2 इक्वल टू होगा I2 इंटू जे ओमेगा एल प्लस C1 और HIE का कॉम्बिनेशन ये होगा, तो यहां पर अपना आ जाएगा HIE और 1 अपॉन जे ओमेगा C1, जहां पर हमने C2 लिखा था उसकी जगह C1 आएगा इसके अंदर। तो ये आ जाएगा HIE 1 अपॉन जे ओमेगा C1 और साथ में आ जाएगा HIE प्लस का 1 अपॉन जे ओमेगा C1। ठीक है, और इक्वल में क्या था इसके साथ में, इसके साथ में अपना इक्वल में था, इस प्रकार से जा रहे थे हम, ये हमारा एल था और ये C2 था। C2 में से जाने वाली करंट I1 माइनस I2, ठीक है, और यहां पर अपने पास में आने वाली जो करंट थी वो I2 थी। तो I2 के मल्टीप्लाई में I2 जे ओमेगा एल प्लस HIE इंटू 1 अपॉन जे ओमेगा C1 अपॉन HIE प्लस का 1 अपॉन जे ओमेगा C1, और इक्वल में हो जाएगा I1 माइनस I2 जे ओमेगा C2, तो 1 अपॉन जे ओमेगा C2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने वैल्यू आ जाएगी, I2 के साथ में आ जाएगा जे ओमेगा एल प्लस HIE 1 अपॉन जे ओमेगा C1 डिवाइडेड बाय HIE प्लस का 1 अपॉन जे ओमेगा C1। ठीक है, प्लस यह जाएगा 1 अपॉन जे ओमेगा C2 और इक्वल में क्या रहेगा, I1 अपॉन जे ओमेगा C2। ठीक है, तो यहां से अपनी जो इक्वेशन है I2 इक्वल टू, इसको एक बार रहने दो। इसको हम करेक्ट करते हैं, तो यहां पर यह आ जाएगा I1 अपॉन जे ओमेगा C2। तो I2 का मान क्या आ गया, I2 इक्वल टू
वन अपॉन जे ओमेगा सी टू, और साथ में ये आ जाएगा जे ओमेगा एल प्लस का एच आई ई अपॉन जे ओमेगा सी वन और एच आई ई प्लस का वन अपॉन जे ओमेगा सी वन, ठीक है, एच आई ई प्लस का वन अपॉन जे ओमेगा सी वन और साथ में आ जाएगा वन अपॉन जे ओमेगा सी टू। जहां पर भी हमारे पास में सी वन था वहां पर क्या होगा, ये जो हमारा सी टू था उसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, सी वन आ जाएगा। तो प्लस का वन अपॉन जे ओमेगा सी टू। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें सी टू वाली टर्म को, तो क्या होगा, ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी आई टू इक्वल टू वन अपॉन, साथ में हमारा मल्टीप्लाई में आई वन चल रहा है तो वन अपॉन जे ओमेगा सी टू को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एल सी टू प्लस। अब यहां से अपना ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि जे ओमेगा सी वन है इसके साथ में और ये हमारा जे ओमेगा सी टू है क्योंकि एच आई ई और सी वन क्या है, पैरेलल में है, तो जे ओमेगा सी टू यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा तो ये आ जाएगा एच आई ई जे ओमेगा सी टू डिवाइडेड बाय जे ओमेगा सी वन और ये हो जाएगा एच आई ई प्लस का वन अपॉन जे ओमेगा सी वन और प्लस में क्या आएगा, ये वन अपॉन जे ओमेगा सी टू है तो प्लस में वन आ जाएगा तो आई टू का मान क्या आ जाएगा। तो यहां से अपने पास में अब आई टू का मान क्या होगा, आई टू इक्वल टू वन अपॉन यह आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एल सी टू, ठीक है, प्लस का एच आई ई जे ओमेगा सी टू और अपॉन में हम इसको एलसीएम ले लें जे ओमेगा सी वन को, तो ये हमारा आ जाएगा जे ओमेगा सी वन को हम इसके साथ में एलसीएम ले रहे हैं तो एच आई ई जे ओमेगा सी वन प्लस का वन, तो अगर हमने एलसीएम लिया तो ये वाला जे ओमेगा सी वन कैंसिल हो जाएगा और साथ में आ जाएगा प्लस का वन इंटू आई वन, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं आई टू इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी टू प्लस का एच आई ई जे ओमेगा सी टू अपॉन एच आई ई जे ओमेगा सी वन प्लस वन, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा आई वन। अब अगर हम एच आई जे ओमेगा सी वन प्लस वन को भी क्या ले लें, एलसीएम ले लें तो यह आ जाएगा आई टू इक्वल टू वन प्लस एच आई ई जे ओमेगा सी वन और इससे मल्टीप्लाई किया हमने ओमेगा स्क्वायर एल सी टू से तो ये क्या बन जाएगा, एच आई ई ओमेगा क्यूब, ठीक है, आटा भी आएगा इसके साथ में तो जे और एच आई ई ओमेगा क्यूब एल सी टू सी वन, ठीक है, और प्लस का वन है इसमें तो यहां पर ये प्लस वन से भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एच आई ई जे ओमेगा सी वन प्लस वन है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एल सी टू और प्लस का एच आई ई जे ओमेगा सी टू और ऊपर ये वाली टर्म जो हमारी ऊपर आ जाएगी एच आई ई जे ओमेगा सी वन प्लस वन, ठीक है, और ये साथ में आई वन का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो आई टू की हमारी जो वैल्यू है वो इस प्रकार आएगी क्योंकि हमारा जो कॉम्बिनेशन था वो सी वन का और एच आई ई का था, ठीक है, ये हमारा सी वन था और ये एच आई ई था, ठीक है, और आई टू जो हमने लूप लगाया वो हमने इन दोनों के लिए लगाया, ये दोनों पैरेलल में थे तो पैरेलल में यहां से अपना इसका जो वी वन का मान होगा और इक्वल टू वी टू हो जाएगा, तो ये हमारा लूप था उससे हमारे पास में ये वाली इक्वेशन आती है, ठीक है, तो इसको लिख लो।
ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं I2 इक्वल टू एच आई ई जे ओमेगा सी वन प्लस वन डिवाइडेड बाय, यहां से हम लोग क्या ले लें, जे ओमेगा को कॉमन ले लें तो हमारे पास में कौन कौन सी टर्म आ जाएंगी, जे ओमेगा इस वाले में है, इसमें है और इसमें है, तो ये हमारा वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी टू तो अलग रह जाएगा, ठीक है, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी टू, और ये आ जाएगा प्लस जे ओमेगा को हम कॉमन ले रहे हैं, तो जे ओमेगा को जब हमने कॉमन लिया तो यहां से बच गया ओनली सी वन, और इसमें से बच जाएगा सी टू, और इसमें से बच जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एल सी टू सी वन, तो पहले वाले जो हमारे टर्म है इसमें से सी वन, इस लास्ट वाली में से सी टू, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एल सी टू सी वन, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा एच आई ई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी टू प्लस का जे ओमेगा सी वन प्लस सी टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी टू सी वन इंटू एच आई ई, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा एक बाहर ले चुके हम और जे ओमेगा बाहर ले लिया, तो एच आई ई और एल सी टू सी वन होगा, ठीक है, और एच आई ई को भी हम बाहर ले रहे हैं तो ओनली ओमेगा स्क्वायर एल सी टू सी वन आ जाएगा, तो एक तो हमारी ये क्वेश्चन आ गई, एक ये वाली क्वेश्चन आ जाएगी आई टू इक्वल टू आई थ्री वन अपॉन जे ओमेगा सी वन प्लस एच आई ई, ठीक है, और इंटू में जे ओमेगा सी वन, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। अब हम लोग निकालते हैं कि हमारा हमें निकालना क्या है, ए बीटा का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम निकालेंगे, तो हमें ए का और बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो ए हमारा क्या होगा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ठीक है, तो ए का मान और बीटा का मान, बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा वी एफ इक्वल टू बीटा वी नोट होता है, तो उससे हम लोग बीटा का मान निकालेंगे, ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, तो जो हमारा ऑसिलेटर था कोलपिट ऑसिलेटर उसके अंदर हम क्या करते हैं इसको एच पैरामीटर में बनाते हैं, एच पैरामीटर जो हमारा सर्किट बनता है, उसके बाद में हम हमारे पास में जो दो लूप आए थे फर्स्ट और सेकंड जो दो लूप थे हमारे उसके अंदर हम लूप एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम धारा विभाजन का जो सिद्धांत है उसको यूज करेंगे और हमारी इक्वेशंस आ जाती हैं, ठीक है, थीके? अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग निकालते हैं इसके ए का और बीटा का मान क्या आएगा और हमारे जो फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, उसका मान क्या होगा, ओमेगा का मान हम लोग निकालेंगे और इसके लिए कंडीशन निकालेंगे कि जो हमारा कोलपिट ऑसिलेटर है उसके सेल्फ एक्साइटेशन जो ऑसिलेशन हमारे आते हैं सतह उत्तेजित दोलन जो होंगे उनके लिए कंडीशन क्या होती है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं।